ब्रिक रेड काइंड ऑफ दिख रहा है निकालने के बाद एक देखो ये जो रेड वाला जो है इसमें दो है मतलब इसका नाम क्या है कलर में डिफरेंस पता चलता है लेकिन उसको क्या बोलते नहीं पता मैं ब्लू हेवन बोलना चाहती हूँ मेरे मुंह से ब्लूटूथ ही निकलने वाला होता है <laughs> हेलो हम गधाली अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच योर लव मीन्स अलॉड टू मी तो हाँ अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज इट्स फ्री एज यू नो कि मुझे एक एक चीज का रिव्यू करना बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैंने सबसे पहले फाइव इन वन लिपस्टिक ऑर्डर की थी तब मुझे किसी ने बोला था लेकिन देन आई ऑर्डर थ्री इन वन आई शेड ऑल्सो एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द प्रोडक्ट्स रीने का फाइव इन वन लिपस्टिक स्टिक एंड थ्री आई शेड लिपस्टिक जो है उसमें दो टाइप आते हैं एक न्यूज वाला आता है और दूसरा ब्राइट कलर्स वाला आता है जो मेरे पास है और इसका एम आर पी जो है वो कुछ सेवन फिफ्टी है हाँ सेवन फिफ्टी है तो वो कहते हैं इट हैज़ क्रीमी फिनिश राइट सॉफ्ट एंड स्मूथ एप्लीकेशन करेक्ट वन स्ट्रोक एप्लीकेशन आई नाउट इट क्योंकि अगर आपको प्रॉपर लगाना है तो मैंने लगाते वक्त तो मुझे एक स्ट्रोक में नहीं लगा मॉइस्चराइजिंग या मेरे लिप्स ड्राई नहीं हुए एंड एनरेस्ट विद जोजोबा ऑयल ये बहुत अट्रैक्टिव इसलिए लगता है कि अभी मेरे पास तो बहुत सारी लिपस्टिक्स है लेकिन अगर मैं लिपस्टिक मतलब मैं ये वीडियोज़ वगैरह नहीं बना रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे पास एक ही लिपस्टिक हो तो मतलब कैसे होता है अच्छे क्वालिटी के लेने जाओ तो साढ़े सात सौ में एक ही लिपस्टिक आ जाती है और यहाँ पे एक लिपस्टिक नहीं आपको पांच पांच शेड्स मिल रहे हैं राइट तो विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि मतलब आ, मुझे पता है कि ये क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन यू आर गेटिंग फाइव डिफरेंट शेड्स ना मतलब ऐसे नहीं है कि रोज़ एक कलर का लिपस्टिक लगा के घूमना पड़ रहा है तो मुझे इसीलिए ये लेना था मुझे ये देखना था कि ये कैसा है और ये हमारे बचपन में वो पेंसिल नहीं आती थी ये इधर से पुश करो फिर वो पीछे डालो एंड अनादर वो ऊपर आ जाता लीड तो वैसी वाली याद आ गई मुझे तो इसीलिए मुझे जब से मैंने देखा था तब से लेना था एंड फाइनली मैंने ये ले लिया तो इसके बारे में बात की जाए तो इसमें मेरे पास पांच शेड्स जो है वो ब्राइट शेड्स है इसके ऊपर शेड नहीं लिखे होंगे शायद नहीं लिखे हुए मतलब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है आई नो कि एक की क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है लेकिन आपको पांच डिफरेंट शेड मिल रहे हैं और टोटल क्वांटिटी आपको साढ़े सात ग्राम मिल रही है यहाँ पे उन्होंने लिखा है देखो वन ग्राम ईच सो इट्स ओके आई फील मैंने जितना यूज़ किया उसके हिसाब से क्वालिटी तो अच्छी है तो मैं आपको एक एक का हैंड्स वॉच एंड लिप्स वॉचेस भी दिखाती हूँ और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था तो ये टूट के आया है मतलब ऐसे नहीं है कि वो गायब हुआ है वो इधर है <laughs> तो मैंने इसीलिए रिटर्न नहीं किया तो मैंने सोचा कि क्या पता बाद में अगर मैंने रिटर्न किया और फिर से ऑर्डर किया ऐसे नहीं हो सकता कि मैं दूसरी बार भी मुझे टूटा हुआ मिले एंड इफ आई वॉन्ट टू यूज़ इट देन मैं इसमें का निकाल लूँ किसी डिब्बे में कोशिश तो करूँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा लेकिन मुझे ये आपको दिखाना था तो ये ये वाला जो शेड है वो मुझे टूटा हुआ मिला है ओके okay? कलर्स का इन्होंने जो दिया है बाहर से वो बहुत अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे दिखते वक्त ये बहुत ही है और प्रॉपर रेड भी नहीं है ये रेड ऑरेंज का मिक्सचर कुछ लग रहा है तो सबसे पहले मैं आपको हैंड्स वॉश दिखाती हूँ सी तो ये ऑरेंजिश काइंड ऑफ रेड ऐसा कुछ है चिली चिली काइंड ऑफ कलर है ओके okay? ये देखो वन स्ट्रोक में एप्लीकेशन नहीं होता जैसे उन्होंने बोला है मतलब ऐसे मैंने लगाया बाकी लिपस्टिक्स बड़े होते हैं ये छोटू सा है ना तो नहीं होता Look at the color. This looks beautiful. Look at the pigmentation. And मैं यहाँ पे मैंने खुद के होटो पे लगाया है तो आपको बस कलर दिख रहा है लेकिन दिस इज सो 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 क्रीमी एंड सॉफ्ट बस मुझे एक चीज़ का डर लगता है ये इतना छोटू सा है ना तो अप्लाई करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे अप्लाई करते वक्त उसको तोड़ ही ना दूँ बस मुझे उस चीज़ का बस ये इसका कुछ करना चाहिए उन्होंने पैकेजिंग में थोड़ा सा कुछ डिफ्रेंस करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है उसके लिए मैं तो ये भी तो मैंने अभी लगाया है लगाने के बाद कितना अभी दो तीन मिनट हो गया होगा अब अभी देखो दो तीन मिनट के बाद इट्स नॉट ट्रांसफर तो। ऐसे क्रीमी लिपस्टिक्स होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा बहुत कम लिपस्टिक्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होते तो ये स्मच प्रूफ तो है ही नहीं ये देखो स्मच प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है तो मैं आज मेकअप रिमूवर वगैरह कुछ लेके बैठी नहीं हूँ तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस बायोटिक वाला ओवर दिस और बस ये निकल जाएगा इजीली सी नेक्स्ट वन इज दिस रेड का ही शेड है लेकिन न्यूड का ही तो ये कुछ मैंने जैसे बोला ये थोड़ा सा रेड hmm... ही है लेकिन मुझे कलर्स का इतना नहीं समझ में आता ओके सो सॉरी फॉर दैट

यहाँ से थोड़ा सा टूट गया यहाँ पे लग गया है ना तो इसका मुझे थोड़ा सा पैकेजिंग का इशू लगता है बस पॉइंट फाइव स्टार्स बिकॉज ऑफ दिस पैकेजिंग का बहुत बड़ा इशू है उसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत बार गलती से वेस्ट होने के चांसेस है इज दिस ब्यूटिफुल सा पिंक कलर वेरी ब्यूटिफुल एंड आपको मैं स्वॉच दिखाती हूँ इसका सी हाउ प्रिटी दैट पिंक इज इट्स गॉजिस गॉजिस कलर अच्छी बात ये है कि एवरी कलर सूट्स मी मुझ पर हर कलर अच्छा दिख तो 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 रहा है सेवन फिफ्टी में नहीं मिला मुझे थोड़ा कम में मिला कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे तो आपको भी अगर चाहिए तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही मिल जाएगा मैं तो वही सोच रहा हूँ अभी ट्रैवलिंग तो के बाद इसको ही कैरी करो मतलब हमें अलग अलग कलर का लिपस्टिक लगाना है तो चार चार पांच पांच लिपस्टिक कैरी करने से अच्छा है लास्ट शेड टूटा हुआ है ये तो उसको मेरे अप्लाई करेंगे ओके okay? बहुत इसके अंदर भी ना बहुत प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है इसी वजह से लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट कम है ऊपर इतना ही दिख रहा है लेकिन हर एक की क्वान्टिटी डेढ़ ग्राम है तो मेरे ख्याल से ये निकालने के बाद ही मुझे पता चलेगा अभी मेरे पास कंटेनर नहीं है नहीं तो आपके सामने निकालती मैं एग्जैक्टली वाइन शेड रेडिश वाइन है और ये प्योर वाइन कलर है वाइन मस्त है ये शेड मैं लिप्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको और ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है बाकी कलर्स से पता नहीं वो टूट गया है उसकी वजह से क्या पता नहीं तो ये कुछ इस तरह का शेड है सी तो हमारे पास ये और ओपिनियन क्या है वो अगर आप देखना चाहते हो तो थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि थ्री इन वन आई शेडो का जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद इसके बारे में और उसके बारे में साथ में बात करेंगे तो अब बारी आती है फैट थ्री इन वन आई शेडो की और ये तीन है लेकिन ये भी साढ़े सात सौ रुपये है इसका है जैसे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए हैं इस टाइम इस साइड पर इंग्रीडियंट लिस्ट मैंशन है एंड ये मुझे ना मैं मतलब लिपस्टिक के बारे में मुझे इतना नहीं लगा क्योंकि इसमें पाँच शेड है तो ठीक है चलो लेकिन इसके बारे में ज़रूर मुझे ऐसा लगा था कि इसकी कम है फाइव ग्राम का टोटल क्वांटिटी है इसका और इसमें आपको थ्री शेड्स मिल रहे हैं रेड काइंड ऑफ शेड है एक पिंक है एंड एक गोल्डन है तो मैं सबसे पहले आपको हैंड वॉचेस दिखाती हूँ तो ये रेड वाला शेड है दे आर सो शाइनी यू नो लेकिन ये इतना ही ऊपर है मतलब एटलीस्ट लिपस्टिक लिपस्टिक का क्वांटिटी थोड़ा सा ऊपर है ऐसा लगता तो है पिंक वाला शेड सी बहुत ही लाइट सा पिंक कलर है एंड वी हैव गोल्डन का देखिए सी सी इसको हाइलाइटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ज्यादा आसान है ये इसका प्लस पॉइंट है तो बिगिनर्स के लिए जिनको आय शायर को अप्लाई करना नहीं आता था उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा स्टार्टिंग करूंगी गोल्डन से बीच में लगाऊंगी पिंक एंड साइडवेज हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली गोल्डन कलर हमें बस शाइन दे रहा है राइट ये एज अ हाईलाइटर बहुत अच्छा रहेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ये एज अ हाइलाइटर। ओह तो एक पे दूसरा कलर नहीं आ रहा इस पे गोल्डन कलर आता जा रहा है आउटर साइड में हम वेड कलर अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल से पिंक कलर का प्रॉब्लम है क्योंकि इसका कुछ ऐसे नहीं हो रहा है कि अप्लाई नहीं हो रहा दूसरे कलर पे तो ये इजीली एक दूसरे में मिक्स हो गया है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसे लिपस्टिक जैसा क्रीमी है तो मैं आपको क्या कहना चाहूँगी कि आई वुड नॉट रिकमेंड दिस आई शेडोज मैं नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि एक तो पहली चीज़ ये साढ़े सात सौ रुपए का है आपको तीन कलर्स मिल रहे हैं उसमें मेरे साथ ये हुआ है कि वो पिंक वाला दूसरे कलर पे नहीं हमें हाँ, आदत तो होती है, है आँखों पे हाथ वगैरह लगाने की तो वो फिर मुंह पे फैल जाएगा ऐसा मुझे लगता है ये मेरा ओपिनियन है तो मेरे ख्याल से डोंट बाई दिस उससे अच्छा है अगर आपको मेकअप नहीं आता ना तो ब्लू हेवन या फिर बाकी जो सस्ते में ब्रांड्स जो बनाते हैं उनका स्टिक आता है डायरेक्टली ऐसे क्रेन टाइप तो वो ले लो उसमें दो तीन कलर ले लो चाहिए तो क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा आपको और इससे और उससे सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है क्योंकि मैंने वो ब्लू हेवन वाला जो है आई शेडो का जो अप्लीकेटर रहता है पेंसिल जो रहती है वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसीलिए बोल रही हूँ फिनिशिंग ऐसा ही होगा उसका और ये देखो ये देखो तो ये हाथ पे आ रहा है राइट तो ये सेट नहीं होगा ऐसे ही और मेरे ख्याल से फिर लेना है तो वो लो अगर आपको नए हो इसीलिए लेना है तो तो आई वोट रिकमेंड दिस लेकिन हाँ आप ये ले सकते हो अगर आप चाहो तो इसको मैं फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार्स नहीं दूंगी इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता दी और निगेटिव पॉइंट्स भी बता दी सबसे तो पहले चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है स्मूद है एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन के बाद आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे आपके लिप्स को ये हाइड्रेटेड रखेगा तीसरी चीज़ कलर पे ऑफ इज अमेजिंग द शेड्स आर सुपर ये चौथी बात कही जाए तो ये एनी स्किन टोन पे अगर आप लाइट स्किन टोन के हो फेयर हो मीडियम हो मेरे जैसे या फिर डार्क स्किन टोन के हो ये फैब फाइव जो है वो किसी भी स्किन टोन पे चलेगा पांचवी चीज़ ये आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है मतलब कहीं पे घूमने वगैरह जाने वाले हो और आपको कैरी करना है तो चार पांच शेड कैरी करने से अच्छा है जिससे एक लिपस्टिक डाल दो बैग में काम खत्म हो गया अब तो आप बात करते हैं निगेटिव पॉइंट्स की सबसे पहली चीज़ इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ ये देखो अभी भी दिखाती हूँ इसको सी बिल्कुल सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे इसके साथ जो लगता है वो है पैकेजिंग ये पैकेजिंग के बारे में उनको कुछ करना पड़ेगा अगर वो उनमें से कोई वीडियो देखेगा तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पैकेजिंग के साथ कुछ ना कुछ करो भाई क्योंकि क्या होता है आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट तो बनाया है लेकिन जल्दी जल्दी में वो टूट जाएगी दूसरी चीज़ ज़्यादा प्रेशर लेके अप्लाई करेंगे तभी भी टूट सकती है और फिर टूटने के बाद कहीं पे भी रखना पड़ेगा और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन फिर इसका जो पर्पज़ है ट्रैवलिंग के लिए या फिर मतलब ज़्यादा शेड्स एक साथ कैरी करने का वो फिर फ़ायदे में नहीं रहेगा फिर आप चार पांच डिब्बी आई कैरी करोगे तो और ये बात तो है कि आपको मतलब अलग अलग शेड्स लेनी है तो आपको इससे सस्ते में मिल जाएंगी आई एग्री विद डैट लेकिन मुझे इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा लगा मतलब इसमें फ्रेग्रेंस गंदा वाला नहीं है मुझे तो कुछ इरीटेशन वगैरह नहीं लगा तो मेरे ख्याल से बस पैकेजिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस तो आई वुड गिव थ्री पॉइंट और थ्री स्टार्स आउट ऑफ फाइव जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग क्योंकि ये क्रीमी क्रीमी लिपस्टिक जो होते हैं वो ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं होते है आप मेबिलिन का ले लो या बाकी कुछ भी ले लो तो वो ट्रांसफर प्रूफ तो नहीं होते लेकिन पैकेजिंग बॉस पैकेजिंग डू समथिंग अबाउट इट डू समथिंग और हाँ उन्होंने जो क्लेम किया है वन स्ट्रोक एप्लीकेशन नो आई डोंट एग्री मैंने आपको दिखाया कि मतलब एक स्ट्रोक में नहीं लगा सकते तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म भी जल्दी हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन टूट जाएगा तो दिल भी टूट जाएगा साढ़े सात सौ रुपये वेस्ट किए ऐसे लग जाएगा सो डोंट बाई दिस तो ये तो ये ले सकते हो या फिर नहीं लोगे तो भी चलेगा मतलब आपको एक साथ सब शेड चाहिए ऐसा होगा तो ये ले सकते हो ये डेफिनेटली ले सकते हो लेकिन हैंडल विथ केयर ऐसे ही उनको लिखना चाहिए था मैंने अब भी देखा ये मेड इन इंडिया है तो जो लोग इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं गो फॉर दिस दिस इज रियली गुड प्रोडक्ट तो दैट्स सेट दैट्स सेट फॉर टुडे बस मुझे यही बताना था और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो आपको ये रिव्यू यूजफुल लगा हो तो गिव विद हम सब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना आपको क्या लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना वॉज इट अ यूजफुल वीडियो फॉर यू और आपको कौन से वीडियोस देखने का मन कर रहा है वो भी मुझे कमेंट में बोलना तो उसका अकॉर्डिंगली अगर पॉसिबल होगा तो मैं वैसे वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी और चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप सबका दहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही जुड़े रहिए मुझे प्यार करते रहिए मेरी वीडियोज़ देखते रहिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए Da -da, bye bye take care sayonara